दोस्तों Redmi 10 Prime वर्सेस Redmi Note 9 यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो Redmi 10 Prime दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। पिछली वीडियो में वैसे दोस्तों मैंने इसके सारी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है, फिर भी मोटा मोटा ऊपर से यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 का यहाँ पर आपको मैक्रो देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड है वो 120 डिग्री के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी दोस्तों सही बोलूँगा मैं। एंड अगर बात करें Redmi Note 9 की, तो ये दोस्तों काफ़ी सही स्मार्टफोन है, काफ़ी सही सेल इसकी रही थी अपने टाइम में। एंड दोस्तों अभी भी ये काफ़ी सही चलता है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको पीछे उसमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2-2 मेगापिक्सल के दोस्तों वही सेम सेंसर यहाँ पर आपको चिपका दिए गए थे जो कि Redmi 10 Prime में अभी दिए गए हैं। तो मतलब इस फ़ोन से उस फ़ोन में दोस्तों इसको इंटीग्रेट किया गया है, बाकी कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियोज़ की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो Redmi Note 9 में आप मैक्सिमम यहाँ पर शूट कर सकते हो 1080p एट 30 फ्रेम पर सेकंड पर। 60 फ्रेम पर सेकंड का पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई नहीं है। एंड 4K इसमें दोस्तों आप नहीं बना सकते हो। बात करें स्टेबलाइजेशन की, तो वो इसकी Redmi Note 10 Prime से काफ़ी सही है, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड EIS मोड देखने को मिलता है जो काफ़ी सही यहाँ पर वर्क करता है। बात करें फोकस की, तो वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगा इस कैमरे का। अगर दोस्तों बात करूँ मैं Redmi 10 Prime के बैक कैमरे की, तो इसमें दोस्तों आपको डेडिकेटेड EIS देखने को नहीं मिलता है। पिछली वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था, लेकिन कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैंने वहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड EIS आपको देखने को मिलता है, जो कंपनी बोलती है कि हमने इसमें दिया है और काफ़ी सही वो दोस्तों वर्क नहीं करता है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला है कि उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसमें भी आप देख सकते हैं जो जिटरिंग है ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ये वीडियो हो रही है, जबकि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से होल्ड किया है। बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो यहाँ पर तो गेम ही चेंज हो जाती है। जो क्वालिटी है बिल्कुल आपको डाउनग्रेडेड देखने को मिलेगी Redmi 10 Prime में, क्योंकि इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। वहीं Redmi Note 9 में आपको कलर्स देखिए मेरे टी शर्ट के दोस्तों कितने सही निकल कर आए हैं। अगर आप दोस्तों बैकग्राउंड में भी देखेंगे तो जो कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे यहाँ पर Redmi Note 9 ने निकाले हैं। बात करें दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की, तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर ग्रंटेड मैं बता सकता हूँ आपको Redmi Note 9 में अच्छा निकल कर आया है, क्योंकि जो दोस्तों अगर आप मेरे टी शर्ट और मेरी दोस्तों स्किन को देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बैलेंस किया है कलर Redmi Note 9 के फ्रंट कैमरे ने। दोस्तों अल्ट्रा वाइड दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का है, सेम सेंसर है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा बहुत सा फ़र्क है जो आपको यहाँ पर कैमरे में हल्का सा देखने को मिलेगा ड्यू टू ऑप्टिमाइजेशन। बाकी दोस्तों कैमरे में ज़्यादा कोई यहाँ पर डिफरेंस है नहीं है, बस थोड़ा सा दोस्तों Redmi 10 Prime यहाँ पर कलर्स अच्छे गैदर करता है जो मुझे देखने को मिला है। बात करें दोस्तों इस पिक्चर की, तो इसमें अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर लिटरली पता लग जाएगा कि जो बैकग्राउंड में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलर है ना वो Redmi Note 9 ने अच्छा यहाँ पर कैप्चर किया है। बाकी ऐसा नहीं है, Redmi 10 Prime भी अच्छा कैप्चर करता है, लेकिन जो थोड़ा सा कलर शिफ्ट है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इस फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं नेचुरल ब्लर, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड मैंने दोस्तों यूज़ नहीं किया है, टैप टू ऑब्जेक्ट किया था। एंड जो नेचुरल ब्लर है वो Redmi Note 9 ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर निकाला है। Redmi 10 Prime में दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट की हम डिटेल की बात करें तो वो तो काफ़ी सही निकल कर यहाँ पर आई है। दोस्तों एक तरफ है 48 मेगापिक्सल, एक तरफ है 50, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। 50 सुन के दोस्तों आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार 50 मेगापिक्सल। अगर आप स्काई की ओर देखोगे ना, तो क्लाउड्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं Redmi Note 9 में। इसको मैं दो जूम करके आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बात करें दोस्तों इस मोड की, तो इस मोड में जो डिटेल्स है वो हल्की सी मुझे ज़्यादा अच्छी देखने को मिली Redmi 10 Prime में, क्योंकि HDR मोड मैंने ऑन किया है दोनों ही फ़ोन में। एंड लेकिन जो दोस्तों कलर है ना वो एक्चुअल यहाँ पर निकल कर आए हैं Redmi Note 9 में। जो Redmi 10 Prime है उसने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कलर को बूस्ट कर दिया था। बात करें नाइट मोड की, तो नाइट मोड में दोस्तों दोनों ही फ़ोन में आपको देखने को मिलता है बैक में। तो जो दोस्तों नाइट मोड है उसमें तो सिमिलर सा ही रिजल्ट मुझे देखने को लगा, हल्के से जो कलर्स है वो यहाँ पर अच्छे निकालता है Redmi Note 9। बाकी जो क्वालिटी है वो दोनों ही इसमें आपको सेम देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों पिक्चर है ना, जो ये मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज लगी है दोनों ही फ़ोन से, क्योंकि अगर आप इसको देखें ना तो बिल्कुल कलर चेंज है यहाँ पर Redmi 10 Prime में। दोस्तों ये कलर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ है इस बार, जो Redmi Note 9 में दोस्तों नहीं हुआ है। तो Redmi 10 Prime में आप देख सकते हैं जो कलर है
शिफ्ट हुआ तो है लेकिन क्यों हुआ है दोस्तों मुझे पता नहीं लगा। जितनी बार मैंने फ़ोटो क्लिक की ऐसा ही कलर निकल कर आ रहा था। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जितना दोस्तों पॉसिबल हो सकता है मैं फ़ोन अरेंज यहाँ पर आपके लिए करता रहूँगा। बात करें दोस्तों इस पिक्चर की जो 48 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल से मैंने ली थी, तो इसको मैं आपको जूम करके एक बार बता दूं। तो भाई मैंने जूम किया इसको तो हल्का सा जो Redmi 10 Prime है ना उसमें आपको जूमिंग हल्की सी ज़्यादा देखने को मिलती है 48 मेगापिक्सल से, क्योंकि यहाँ पर जो मेन सेंसर है वो 12.5 मेगापिक्सल का है एंड जो Redmi Note 9 में है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों इतना सा फ़र्क है। बाकी डिटेलिंग दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सिमिलर सी है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, हर जगह अलग अलग से रिजल्ट आपको देखने को।